हेलो गाइस, वेलकम बैक ग्रे लाइन आर्ट। आज हम कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं। तो आज क्या है नया, तो वाटर कलर आर्टिस्ट वाटर कलर जो है केक वाले कलर उसका यूज़ करेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग रियलिस्टिक बनाने की ट्राई करेंगे। तो मैं पहले ही ये वीडियो बना चुका हूँ और इंट्रो बाद में शूट कर रहा हूँ, तो पहले ये ड्राइंग बना लिया है, देखा काफ़ी अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, वाटर कलर जो है वो 3-4 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो स्टेप बाय स्टेप वाटर कलर को यूज़ करना पड़ता है। तो कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को पूरा देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होता ड्राइंग, तो ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कैसा लगा वो कमेंट में जरूर लिखे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ड्राइंग मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब कलर स्टार्ट करते हैं। तो कैप में और बोतल में जो भी हाईलाइट वाला पार्ट है उसको छोड़ते हुए बाकी के पार्ट में कलर स्टार्ट करते हैं, और लाइट कलर करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकंड स्टेप करेंगे। तो उसमें जहाँ पे भी आपको डार्क एरियाज दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा डार्क कलर बना के वही यूज़ करेंगे, और लाइट वाला या हाईलाइट का जो पार्ट है उसको ऐसे ही प्लेन छोड़ देना है। बाकी के डार्क एरिया में जितना भी डार्क हो उतना कलर बना के यूज़ करना है।
बॉटल का ब्रांड का नेम जो है वो मैं वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ वो लिखने के लिए, क्योंकि जो वाटर कलर में वाइट कलर होता है वो ज़्यादा दिखता नहीं है, तो एक्रेलिक कलर से वो काफ़ी अच्छा हो पाएगा, इसलिए मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ।